आज पहली मरतबा उसकी चेन उतरी है तो बहुत ज्यादा खतरनाक था। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल? ठीक ठाक, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो करते हैं जी आज का ब्लॉग शुरू। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि ये चूजे जो मैंने लिए थे तो माशाल्लाह 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 काफी ज्यादा एक्टिव हो गए। तो ये यहाँ से जंप लगा के बाहर आ जाते हैं, और क्योंकि सारी तरफ से हमने सुराख जो है वो बंद कर दिए थे, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया था, तो जंप लगा के तो बाहर आ जाते हैं। तो अभी मैं डब्बे का हाल आपको दिखाने लगा हूँ, उन्होंने क्या किया है। ये देखें, हर तरह से बिल्कुल सफाया कर दिया, जिधर मर्जी से उठा लूँ मैं डब्बा, हर तरफ से खा लिया हुआ बिल्कुल ही। और माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गए, तो ये जंप लगा के ये देखें अभी भी डब्बा खाई जा रहे हैं यहाँ से। ये सारे चूचे लगा के ना इन्होंने डब्बा सारा खा लिया हुआ। तो यहाँ पे खुटा है चूजों का, लेकिन वहाँ पे सारा जो है सामान बढ़ के रखा हुआ है, तो ये सारा सामान जो है इसके अंदर रखा हुआ है। तो यहाँ पे पहले भी मैंने चूजे रखे थे अपने, मुर्गियाँ वगैरह, तो बाद में सफाई करके यहाँ पे सारा सामान डाल दिया गया। तो अभी दोबारा इसका सामान सारा निकालना पड़ेगा और चूजे यहाँ पे छोड़ेंगे, लेकिन अभी मैं चूजे यहाँ पे छोड़ना चाह नहीं रहा क्योंकि वो अभी छोटे हैं, तो अभी उन्हें खास केयर की जरूरत है। जब इंशाल्लाह बड़े हो जाएंगे तो फिर ये इतना बड़ा सा है गुड्डा यहाँ पे डाल देंगे। अभी फिलहाल ये सामान इसी तरह पैक, मुझे चाहिए एक डब्बा तो जो कि अच्छा डब्बा हो जिसमें पानी की का कोई असर ना हो, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा डब्बा ना पानी गिरता है। अच्छा वो उस बात भाया था बात है बोल रहे हैं कि वो पतंग उड़ाने लगे। अभी ऊपर से बात काफ़ी ज़्यादा आ रही है चूजों की, तो देखते हैं कि चूजा बाहर निकला मुझे लग रहा है, तो कोई नहीं निकला हुआ नहीं कोई। हाँ ये निकला हुआ है बाहर, अकेला ही निकला हुआ है, बाकी चार अंदर है, तो ये अकेला ही बाहर निकला हुआ है। आजा 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 चल वापस। अभी देखना थोड़ी देर बाद ये दोबारा जंप करेगा बाहर निकलने के लिए। कैसे गत्ते खा रहे, गत्ता देखें कैसे खा रहे, गत्ता नहीं छोड़ना है उन्हें, खाई जाना। तो बादल जो है तो वो रोज आ जाते हैं तो फिर चले जाते हैं फिर आ जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले धूप थी तो अभी फिर दोबारा जो है बादल आ गए, तो इसी तरह आजकल मौसम जो है वो चल रहा है। अभी फिलहाल बादल आए हुए हैं अभी फिलहाल। ये देखें जी, चिड़ियों ने घोंसला बनाया तो सारा बाहर की तरफ बना लिया, पहले बनाते थे वो अंदर सुराख के, तो अभी इन्होंने बनाया है तो सारा बाहर लटक रहा है, ये सारा गिर जाना है, बनना ही नहीं है मेरे ख्याल से। तो पहले वो अंदर बनाते होते थे तो अब ये सारा बाहर की तरफ इस तरह लटक रहा है, तो पता नहीं कैसे फंसा रहे हैं, तो गिर ही जाएगा मेरे ख्याल से, तो लग तो ऐसे ही रह गया तो गिर जाएगा, पता नहीं पता चलेगा बाद में। काफ़ी ज़्यादा बड़ा बना दिया, मिट्टी चेक करें इसके ऊपर, वाह अभी ये मेरी डिग्री जो है वो घर पहुंच चुकी है, तो अभी से अनबॉक्स करते हैं, अनरैप वो करते हैं, तो देखते हैं कैसी है अंदर से डिग्री। तो तो ये है मेरी डिग्री, दिखाऊं दिखाऊं दिखाऊं, ये डिग्री कहाँ पे है, डिग्री तो है नहीं यहाँ पे, तो ये यहाँ पे ये कौन सा लेटर है, रजिस्टर्ड UMS, और ये है जी डिग्री BSIT की। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की कसम मैं BSIT कीती है अल्लाह की कसम मैं BSIT कीती है, डिग्री देख लो मेरी, तो मैंने BSIT की हुई है, तो जो मैं कारोबार कर रहा हूँ तो वो मेरा शौक है, तो ये मैंने की हुई है BSIT। ये देखो पांचों के पांचों ही बाहर घूम रहे हैं, तो डब्बा इतना बंद है,
थोड़ा सा खुला हुआ, तो ये सारे भाई निकले हुए हैं और घूम रहे हैं, और मेरा जो सारा कमरा है वो भी गंदा किया हुआ है इन्होंने हर तरफ से। तो ये डब्बा अब मैं देखूँगा, कोई बड़ा डब्बा लेके आऊँ, डब्बा बिल्कुल ख़त्म हो गया, तो अभी इन्हें उठा के अंदर डाल देते हैं। अब माशाल्लाह चलाक भी हो गए, ये हाथ में भी नहीं आते अब। लो ये पानी है कि नहीं, पानी डब्बे का इन्होंने हार ऐसा कर दिया, ये देखो क्या हाल, ये हर तरफ से उखड़ा पड़ा पानी है। दाने थोड़े से डाल दूँगा, बाकी ठीक है। अभी पानी पीने इतनी देर से बाहर ही पी जा रहे, तो ना पानी मिलना था ना दाना मिलना था, अब अंदर आए तो अब पानी पियेंगे। तो अभी आपको मेरी रूटीन का पता है कि मैं सुबह उठता हूँ, सामान वगैरह लेने जाता हूँ और ला के फिर तैयारी करता हूँ, तैयारी करके फिर दुकान लगा के बैठ जाता हूँ, तो जिसकी वजह से व्लॉगिंग का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा और कहीं जाने का भी टाइम नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से व्लॉग्स बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। मैं अपने यूट्यूब में मैं एनालिटिक्स देख रहा था, तो उसमें भी जो मेरा चैनल है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गए उसके एनालिटिक्स, तो जो कि एक कंसिस्टेंसी थी व्लॉग्स की वो अब बरकरार नहीं रख सक रहा। तो बस इस तरह ही है कि ज़िंदगी चलती रहती है। तो अभी फ़िलहाल ये चूज़े लिए हुए हैं, तो इन्होंने मेरा दिल लगाया हुआ है, तो ये माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा शरारती हैं और बाहर निकल के सारा कमरा मेरा गंदा कर देते हैं, तो इनके लिए भी अभी बड़ा डब्बा लेके आएंगे अच्छे वाला, जो कि ये ख़राब ना कर सकें। तो अभी फ़िलहाल 10 बज चुके हैं, 10 नहीं 10:30 हो गए हैं। तो थोड़ी देर पहले मैं भी बाइक जो है अपनी चला के झूला लेके आया ही हूँ, तो रस्ते में उसकी जो थी चेन वो उतर गई थी, मेरा ख्याल है चेन ढीली होने की वजह से उतरी होगी, तो फिर कभी इंशाल्लाह उसकी चेन भी करवाएंगे। बैटरी थी, बैटरी भाई गए थे लाहौर, भाई से मैंने कहा था भाई लेट हो गए तो बैटरी फिर नहीं आ सकी, तो अब मेरा कभी चक्कर लगेगा तो मैं लेके आऊँगा, या फैसलाबाद चक्कर लगेगा तो वहाँ से पता करेंगे बैटरी का, अगर मिल गई तो ठीक है, वरना फिर लाहौर से लेनी पड़ेगी। तो अभी फिलहाल बाइक का बिल्कुल सत्यानाश जो कहते हैं वो हुआ पड़ा है, आज पहली मतलब उसकी चेन उतरी है, तो बहुत ज़्यादा खतरनाक था, लेकिन शुक्र है मैं स्लो था वहाँ पे, तो पता चल गया मुझे जल्दी, तो मैंने ज़्यादा बाइक को जोर नहीं दिया कि कहीं चेन ना टूट जाए, तो बाद में चढ़ाई है चढ़ा के, तो आहिस्ता आहिस्ता मैं घर आ गया, तो अभी बाइक मैंने खड़ी कर दी। तो फिलहाल मैं अभी अपना जो है यूट्यूब ब्लॉग जो है वो एडिट करके जितना भी हुआ, तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट सुबह से स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कौन सी नई चीज़ है जो हमें सुबह करने को मिलती है। तो अभी फिलहाल गुड नाइट, तो आप पहले इनके हाल चाल देख लें, तो गुड नाइट तो आपको बाद में कहते हैं। तो अभी फिर ये दो जो चूज़े हैं हम बाहर निकल गए, तो आवाज़ आपको आ रही हुई काफ़ी ज़्यादा इनके बोलने की, तो ये देखो जी ये फिर से बाहर निकले हुए हैं यार, बाहर तो निकल गए, ये देखो ये भी अमल कहा है, कौन सा था, चलो 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 अच्छा यार की हुआ, तो अभी इन्हें बंद ही कर देते हैं फिलहाल, नहीं तो ये जम मारते रहेंगे और बाहर आते रहेंगे। तो अभी फिलहाल गुड नाइट, अभी बज गए तकरीबन रात के 11:30 हो गए, तो व्लॉग भी जो है मेरा तकरीबन एडिट हो गया, तो बाहर बादल जो है बहुत ज़्यादा गरज रहे हैं, मुझे लग रहा है शायद बारिश हो रही है बाहर, तो अभी देखते हैं, अभी स्टार्ट ही हुई है बारिश, तो वो आपको नीचे जो छींटे हैं बारिश के वो नज़र आ रहे होंगे, तो बादल भी गरज रहे हैं, तो बारिश अभी हो रही है, बहुत ज़्यादा हल्की हल्की सी बारिश है, बादल आपको गरजता नज़र आ रहा है, तो मौसम दोबारा से ठंडा हो गया, बहुत ज़्यादा हवा भी चल रही है ठंडी ठंडी सी, और बादल काफ़ी ज़्यादा गरज रहे हैं। अभी बारिश जो है वो काफ़ी स्लो है, अभी मेरे ख्याल स्टार्ट ही हुई है मेरे अंदाजे के मुताबिक, बारिश अब अच्छी खासी तेज़ हो गई है, तो ये आपको खतरे यहाँ से गिरते नज़र आ रहे होंगे, तो बहुत तेज़ हो गई है, तब आज भी यहाँ पर आ रही होगी आपका वो बारिश की, तो ये देखें जी बादल गरजे अभी बात आएगी इसकी, थोड़ा सा गिरता है थोड़ा सा, तो ये बारिश हो रही है, ये देखो पानी, तो बारिश अब तेज़ हो गई, ये मेरा चूल्हा तो ठीक है, हाँ बस ठीक है, तो बाइक के ऊपर भी कपड़ा दे दिया अबू जी ने, तो बाहर काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही है, तो बारिश भी स्टार्ट हो गई, ये दोबारा बादल कर जाता थोड़ा, तभी व्लॉग भी मेरा एडिट हो चुका है मुकम्मल, और उन्हें भी मैंने डब्बे में अच्छी पैक कर दिया, अभी तक सोए नहीं है, बोली जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से कल तक लेके नहीं जाएंगे लोग जितना है, ठीक है, तो इसी व्लॉग को यही भी खत्म करते हैं, अगर आपको आज वाला व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब, उसी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें।
दर्शक इतना ही, अल्लाह हाफिज़।